नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बुधवार को सूबे के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे, जहां उन्होंने बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर एक नए ब्लॉक इमरजेंसी सेवा का उद्घाटन किया है। इस दौरान आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने वीडियो से बात करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर हम पूरी तरह अलर्ट है, जिसके चलते मंगलवार को मऊ जिले के आबकारी अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया। दरअसल आपको बता दें, मुजफ्फरनगर जनपद के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में आज प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज के नए ब्लॉक इमरजेंसी सेवा का उद्घाटन किया। इस दौरान जनपद में स्थित वाइन शॉप की दुकानों पर ओवररेटिंग और अवैध रूप से बेची जाने वाली शराब को लेकर जब मीडिया ने मंत्री नितिन अग्रवाल से सवाल किया, तो वह मीडिया से ही इस बाबत सबूत मांगते नजर आए। मीडिया से बात करते हुए आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि देखिए, आज मुजफ्फरनगर जनपद के मेडिकल कॉलेज में इस नए ब्लॉक का उद्घाटन हुआ है और उन्हें खुशी है कि सरकार की जो मंशा है कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा विभाग की सुविधाएं बेहतर हों, और उसमें सरकारी क्षेत्र तो अपना योगदान दे ही रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी प्रदेश में अपना बड़ा योगदान दे रहा है। देखिए, आज मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में इस नए ब्लॉक का आज उद्घाटन हुआ है और मुझे खुशी है कि सरकार की जो मंशा है कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हों, उसमें सरकारी क्षेत्र तो अपना योगदान दे ही रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी अपना बड़ा योगदान दिया है प्रदेश में। और मुझे याद है कि जब कोविड का कार्यकाल चल रहा था, कोविड कालखंड में प्राइवेट सेक्टर ने भी अपनी बहुत बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी और एक बहुत बड़ा योगदान लोगों के स्वास्थ्य को, लोगों की जान को बचाने के लिए, और एक अपना बड़ा अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया था प्रदेश सरकार को। तो आज इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पे, आज नए ब्लॉक का उद्घाटन हुआ है, सभी जो सुविधाएँ हैं उसको और बेहतर किया गया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मंत्री जी, क्या सुविधा बढ़ाई गई है? देखिए, इमरजेंसी मेडिसिन एक नया वार्ड है जो MCI ने हम लोगों को स्वीकृत किया है। एक उस वार्ड का आज वो भी वार्ड खोला गया है, साथ ही साथ कार्डियो में भी और सुविधाएं दी गई हैं, और साथ ही साथ अन्य जो विभाग हैं, जो फील्ड्स हैं, उसको भी और अपग्रेड किया गया है। आबकारी विभाग भी आपके पास, उसे लेके बताइए थोड़ा सा, योजनाएं क्या क्या है, किस तरह की राजस्व कैसे बढ़ाए, ओवर रेट को लेकर कोई नीति बनाई गई है? देखिए, मैंने अभी कल ही जिला आबकारी अधिकारी मऊ को सस्पेंड किया है, और जैसा कि मैंने विभागीय अधिकारियों को शुरुआत से ही कहा था कि अगर मुझे भ्रष्टाचार की शिकायत आई विभाग में या ऐसा कोई अधिकारी कर्मचारी संलिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी कड़ी में कल मैंने एक सस्पेंशन भी किया है, निलंबित किया है। ओवर रेटिंग की लगातार इस पर हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं जहाँ जहाँ से शिकायतें आती हैं, और हम लोगों की जो एनफोर्समेंट विंग्स हैं, एनफोर्समेंट विंग्स भी लगातार प्रदेश में अपने अभियान चलाती रहती है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि लगातार हम लोग हर महीने स्पेशल अभियान तो चलाते ही हैं, साथ ही साथ नॉर्मल एनफोर्समेंट की प्रक्रिया भी चलती रहती है। तो मुझे जहाँ जहाँ से भी, और हमारे विभाग ने अलग से अपनी टीम्स डिप्लॉय कर रखी हैं, जहाँ जिस जनपद से भी ज़्यादा शिकायतें आती हैं, हम उसकी जांच कराते हैं, और जांच में अगर सही पाया जाता है तो फिर कार्रवाई कराते हैं। हरियाणा से बड़े पैमाने पर तस्करी खराब की यहाँ पे। देखिए, अब ये पुरानी बातें हो गई हैं, ये बात ठीक है, बहुत कंट्रोल किया गया है, बहुत रोक की गई, जहाँ पहले अन्य प्रदेशों से या ये जो जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ से जो आते थे उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। और मैंने अभी भी विभागीय अधिकारियों को बोला है कि जहाँ जहाँ एंट्री पॉइंट हैं हमारे स्टेट के दूसरे स्टेटों के साथ, वहाँ और आप उसमें एनफोर्समेंट बढ़ाएं और निगरानी बढ़ाएं, और बिल्कुल भी अन्य प्रदेशों से अवैध मदिरा प्रदेश में आनी नहीं चाहिए। मुजफ्फरनगर में फलों से, फूलों से शराब बनाने की एक शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे? होनी है, उस पर काम चल रहा है, 2 महीने के अंदर वो प्लांट शुरू होगा। ये हम लोग जब नीति लाए थे कि लोकल फ्रूट से यहाँ पे लोग वाइन बनाया, अन्य प्रोडक्शन करें, उसका केवल मकसद एक था कि जो किसान है, किसानों को इसका फ़ायदा मिले प्रदेश के, वो जो फल करते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, उनको सही कीमत मिल सके, उनको भटकना ना पड़े इधर उधर, यही सोचकर हम लोग इस नीति को लेकर आए थे। और मुझे खुशी है कि मुजफ्फरनगर और बरेली
दो जनपदों में इसकी दो में बहुत जल्दी इनकी शुरुआत होने जा रही है, और हम लोग लगातार इन्वेस्टर से भी बात कर रहे हैं कि वो लोग भी आके प्रदेश में इस तरीके के अपनी यूनिट स्थापित कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में है, सब प्राइवेट सेक्टर में है। जी लगातार मुजफ्फरनगर में ओवररेटिंग की बात कहें या ढाबों पर शराब पिलाने की बात कहें या फिर जो प्रतिबंधित दिन होते हैं उनमें ये ठेके जो शटर उठाकर देते हैं शराब बेचते हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। देखिए ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरा कार्यालय खुला हुआ है, अगर आप ही गोपनीय तरीके से मेरे कार्यालय पे कोई इन्फॉर्मेशन भेज देंगे तो मैं उसकी गोपनीय तरीके से जांच दूसरे मुख्यालय से जांच करवा लूंगा। आप हमें उपलब्ध कराइए। देखिए ऐसा है, आप अभी बोल रहे हैं, इसका अभी कोई साक्ष्य नहीं है। आप मुझे ठीक है तो आप मुझे भेजिए, मैं देख लूँ उसमें बिल्कुल भी बख्शा। अगर उसमें सच्चाई है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। काफी प्रभावी है कंपनी के जो ठेके हैं वो काफी प्रभावी है, अधिकारी जो है वो कार्रवाई नहीं। अरे मैं वही तो कह रहा हूं ना कि आप अधिकारी जो नहीं कर रहा है आप मुझे भेजिए कौन नहीं कर रहा और कहां पे आपको ये गलत ये पाया गया है, तो आप मुझे भेजिए मैं इसको कार्रवाई कर दूंगा। जितनी भी कड़ी कार्रवाई हम कर सकते हैं वो करेंगे हम। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।